नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग में से कई लोग स्वस्थ होंगे और जो लोग अभी बीमार हैं, खासकर कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, वो भी ईश्वर की कृपा से जल्दी स्वस्थ होंगे, यही मैं कामना करता हूँ। एक चीज़ मैं आज बताने के लिए आया हूँ कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोविड सर्किट का उद्घाटन किया है। ये कोविड सर्किट के बारे में आपको थोड़ा बताने आया हूँ। सबसे पहले उन तमाम हमारे दर्शक, हमारे श्रोता जो कोविड को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और परेशान लग रहे हैं, क्योंकि उनके घर में या उनके आस पड़ोस या उनके जानने वाले परेशान हैं, तो उनको एक थोड़ी सी इत्मीनान दिला दें कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये आपदा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, तो आप और हम दोनों आदमी को संयमित रहने की ही ज़रूरत है। जितना अधिक हम धैर्यवान रहेंगे उतना ही अधिक काम होगा। एक ऐसे भी कहावत है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो इसमें मन को स्ट्रांग बनाना होगा, विल पावर को, कि हम ठीक होंगे कोरोना से, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसी आप अपने अंदर भी इच्छा जगाइए, विल पावर बनाइए और दूसरों लोगों को भी बताइए, क्योंकि इसका आंकड़ा है। आप तो प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना में संक्रमित हो रहे हैं। हम पहले आपको बता रहे हैं कि कितने दिन हर रोज लोग मरीज ठीक भी हो रहे हैं। तो लगभग आपको बता दें कि प्रतिदिन लगभग 1000 जो मरीज हैं कोरोना के संक्रमित, वो ठीक हो रहे हैं। अब तक जो है जो अस्पताल में मरीजों की संख्या है वो लगभग 5000 है, मतलब 4942। और जो घर में है लेकिन पॉजिटिव हैं, उनकी संख्या जो है वो लगभग आपको 50000 से कुछ अधिक है। और लगभग जो 2600 आंकड़े अगर पॉजिटिव पर डे आ भी रहे हैं, तो 1000 ठीक हो रहे हैं। लेकिन अब पॉजिटिव केस के आंकड़ों में कमी आएगी, क्योंकि अब हमारे राज्य में लॉकडाउन है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि 29 तारीख तक, चूंकि ठीक होने का भी संख्या 1000 लोगों का है, प्रतिदिन लोग 1000 के औसत से ठीक हो रहे हैं और लगभग 2600 के हिसाब से पॉजिटिव केस मिल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते वो पॉजिटिव केस में कमी आएगी। अब थोड़ा बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री आज 2 प्रमंडल में एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है कोविड सर्किट। ये कोविड सर्किट है क्या, पहले आप इस बात को समझ लीजिए, और किन किन प्रमंडलों में इसकी शुरुआत की गई है। एक तो रांची प्रमंडल और फिर पूर्वी सिंहभूम, 2 प्रमंडल है। रांची में रांची, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी और लातेहार, इन एरियाओं का अगर आप सिर्फ रांची में देखेंगे अस्पतालों की संख्या और मरीजों की संख्या, तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे तो बेड ही नहीं बचा। लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वैसे जगह पे भी रांची के मरीज जाएंगे। प्रमंडल को एक यूनिट माना गया है। अगर आप उसका बात करें तो रांची में अभी 450 ऑक्सीजन वाला बेड खाली है, कोई मरीज वहां पर नहीं है। लेकिन वो सिर्फ रांची का आंकड़ा नहीं है, रांची प्रमंडल में जो सरकारी बेड है, सरकारी सिस्टम है, उसके तहत 450 से अधिक बेड खाली है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री आज ये बता रहे हैं कि आपको और हमको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंतित इस वजह से होने की जरूरत नहीं, वो बता रहे हैं कि जो मीडिया में या अखबारों में आ रहा है, सिर्फ रांची की खबरें आ रही हैं, राजधानी की, कि हर बेड फुल है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। तो अब एक सर्किट का बनाया गया है, 2 सर्किट है, रांची सर्किट और पूर्वी सिंहभूम सर्किट। मतलब आप एक प्रमंडल को एक सर्किट मानिए। मतलब अगर रांची में पॉजिटिव केस है, बेड नहीं है, तो आपको रामगढ़ भेज दिया जाएगा, 45 मिनट में आप रामगढ़ चले जाएंगे। और जिनके पास अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है रामगढ़ जाने के लिए, वो लोगों को सरकार भेजेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए भी चिंता नहीं मन में रखना है, डर नहीं रखना है। अभी भी सिर्फ रांची में आप समझ लीजिए, रांची सर्किट में 450 बेड ऑक्सीजन वाला 450 बेड खाली है, मुख्यमंत्री ने कहा है। और 2000 से अधिक बेड हैं ऑलरेडी ऑक्सीजन वाले सर्किट में, तो ये खाली नहीं है, 450 खाली है, आप इसको समझ लीजिए। और जमशेदपुर वाले में भी
टोटल बेड जो है 1250 ऑक्सीजन सहित, उसमें 500 बेड अभी खाली हैं। तो मरीजों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है 6-6 ऑक्सीजन का जो रिफिल सिलेंडर होगा, 6-6 यूनिट सरकार बना दी है। आप वहां पे जाके अपना सिलेंडर जो मतलब आम तौर पे घर में रखें ऑक्सीजन सिलेंडर, वो रिफिल करा सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। पहले आप लोग तैयार हो जाइए, इस तरीके का पेन और एक कागज ले लीजिए। मैं कुछ नंबर आपको लिखाना चाहता हूँ, ये नंबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि कैसे आप कोविड सर्किट का इस्तेमाल या मदद ले सकते हैं। तो अब जो आंकड़े बता रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके अनुसार बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अभी भी रांची में 450 ऑक्सीजन वाला बेड खाली है रांची सर्किट में, और जमशेदपुर सर्किट मतलब पूर्वी सिंहभूम सर्किट में 500 बेड ऑक्सीजन वाला खाली है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। आपको याद ही होगा, आज आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि 500 एक्स्ट्रा बेड जो इटकी का टीबी हॉस्पिटल है सेनेटोरियम, वहां पे तैयार हो रहा है। नंबर लिखिए, आपको एक नंबर तो पता ही होगा, 104 104 नंबर जो कोविड का जारी किया गया है, ये एक नंबर है। रांची, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और लातेहार के लोगों के लिए एक और नंबर है, इसको लिख लीजिए, 0651241144। एक बार फिर से हम नंबर बोल रहे हैं, 0651241144 ये नंबर है। एक बार और हम फिर से बोलते हैं, आराम से लिखिए, 104 ये सबके लिए, पूरे झारखंड के लिए नंबर है, रांची सर्किट में आने के लिए 0651241144। इस पे अगर आपको जरूरी लगेगा कि नहीं हमारे परिजन या हमको अब ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, तो आप इस नंबर पे आप फोन कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि अमुक अस्पताल में ऑक्सीजन वाला बेड खाली है, आपके नाम से रिजर्व भी कर दिया जाएगा। आप अगर अपने पास स्वयं गाड़ी है तो आप खुद जा सकते हैं, नहीं तो सरकार का जो 108 एम्बुलेंस का सुविधा है वो भी ले सकते हैं, या इस नंबर पे आप एम्बुलेंस का भी डिमांड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस आपको घर से उठाएगी और उस अस्पताल ऑक्सीजन बेड तक पहुंचाएगी। जमशेदपुर वाले जो हमारे दर्शक हैं, मतलब जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, उनके लिए एक नंबर है, मैं लिखा दे रहा हूं, इसको नोट कीजिए, 0657 नंबर एक बार फिर से लिख लीजिए, 0657244011 ये नंबर है। एक बार फिर से नंबर बोल रहा हूं, 0657244011 ये एक नंबर है। इनके अलावा एक और मोबाइल नंबर मैं आपको लिखा रहा हूं जहां से आप हेल्प ले सकते हैं, 8987510050। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूं, 8987510050 ये नंबर है। तो कोविड सर्किट आप समझ लीजिए क्या है, कि अगर रांची में भीड़ मरीजों की ज्यादा है लेकिन हमारा खूंटी में, रामगढ़ में बेड कई ऑक्सीजन वाले खाली हैं, तो वहां पे मरीजों को भेज दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि अब इस तरीके के उन नंबरों पे मदद मिलेगी जो मैंने नंबर आपको लिखाया है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर बाय दी वे कोई नंबर पे रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप अपने जिला के संबंधित डीसी को भी फोन कर सकते हैं, एसडीओ को भी फोन कर सकते हैं, आप अपने सीओ को, अंचला अधिकारी को भी फोन कर सकते हैं, या किसी भी जनप्रतिनिधि को फोन कीजिए। ये उनका दायित्व है कि वो आपको मदद करेंगे इस आपातकाल में, और वो करेंगे भी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो मैंने दो नंबर लिखाया है रांची और जमशेदपुर के लिए, मतलब जमशेदपुर वाले नंबर पे जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा के लोग फोन कर सकते हैं, रांची में रांची, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, यहाँ के लोग, मतलब रांची के लोगों को अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर रांची में बेड नहीं है तो सरकार रामगढ़ में इलाज करा देगी, खूंटी में इलाज करा देगी, लोहरदगा में, सिमडेगा में, जहां मतलब आधा घंटा से एक घंटा के अंदर में अगर आपके परिजन पहुंच जाएंगे वहां सरकार ले जाएगी अपने खर्चा पे। आपको गाड़ी अगर नहीं है तो उसकी भी चिंता तनिक भी नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ले जाएगी और आपको ऑक्सीजन वाला बेड मिलेगा।
ये दो अभी मतलब इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेमंत सोरेन ने शुरू किया है, कोविड सर्किट रांची का और पूर्वी सिंहभूम का। हेमंत सोरेन जी, अगर आपसे आग्रह है और जो भी तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे उनसे भी आग्रह है, हालांकि मैं इसका तो स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक मन में ख्याल आया है तो वो चाहता हूं शेयर कर दूं। मैंने अखबारों में टीवी मीडिया में देखा कि कई वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, नए नए वेंटिलेटर। तो सरकार को ज़रूरत है कि जो जो रांची के प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ वेंटिलेटर की संख्या 6 है 10 है उनको अपग्रेड कर दिया जाए, मतलब 10 को 20 करने के लिए बोला जाए और सरकार वो वेंटिलेटर मशीन फिलहाल उपलब्ध करा दे उनको, और उनसे पूछ लिया जाए कि क्या आप और मशीन का ऑपरेट कर सकते हैं, उनके पास अगर ऑपरेटर हैं तो इसकी भी व्यवस्था अगर मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य सचिव मेरी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो राज्य में अभी जहाँ जहाँ वेंटिलेटर मशीन पड़ा हुआ है अनुपयोगी उनको प्राइवेट या दूसरे अस्पतालों में देकर उनको बढ़ाया जाए संख्या, ताकि अगर जहां मान लीजिए मेडिका में अगर 10 है वेंटिलेटर तो अब उनको 20 हो जाए, उन्हीं ऑपरेटर से कहा जाए कि आप इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। एक और बात है, अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आप तो समझ गए, क्योंकि सरकार का दावा है कि रांची सर्किट में 450 ऑक्सीजन वाला बेड खाली है, इसलिए आप चिंता नहीं है, बेड आपको हर हाल में मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम सर्किट में 500 ऑक्सीजन वाला बेड खाली है, ये भी आपको मालूम है। सरकार का दावा है, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस कोरोना काल में लगभग 9,080 अतिरिक्त बेड हम लोगों ने बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे डेवलप किया है और आगे निरंतर करते जा रहे हैं। कल स्वयं मुख्यमंत्री टीबी सेंटर इटकी वाले में गए हैं, 500 बेड वहाँ भी बढ़ेगा। तो अब जितने लोग जो अखबार मीडिया या तमाम खबरें पढ़कर सोशल साइट पर चिंतित हो रहे हैं कि राज्य में या खासकर रांची में जमशेदपुर में ऑक्सीजन की बेड की कमी हो गई है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, तो वो चिंता त्याग दें और कोई भी कोविड से डरे नहीं। आप डरेंगे तो यकीन मानिए आपकी इम्यूनिटी और कमज़ोर होगी, इसलिए हौसला बनाए रखिए, क्योंकि अगर जो जितने मरीज हैं संक्रमित होने वाले प्रतिदिन तो उतने ठीक भी हो रहे हैं, लगभग 1,000 मरीज जो है कोरोना को हराकर प्रतिदिन ठीक हो रहा है हमारे राज्य में, और जो ज़्यादातर लोग हैं मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं, मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकता है कि कई लोग उसमें ऑक्सीजन लगा भी रहेंगे तो सरकार उन पर भी पैनी नज़र बनाई हुई है, तो आप इन चीज़ को देखिए। सिर्फ मौत का आंकड़ा 602 पार कर गया है, इस बात पे मत जाइए। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, यही हम कामना करेंगे, और स्वास्थ्य विभाग भी पैनी नज़र बनाए रखे। शुक्रिया।